नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है लेटेस्ट इंसाइट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में आपको फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि कूलर से रिलेटेड वीडियो है। ये आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपकी डिमांड पे मैंने बनाया। तो इस वीडियो के लिए बनाने के लिए मैंने रिले लिया है, 12 वोल्ट सिंगल पोल डबल थ्रो रिले। इसमें हम डायोड को जोड़ लेते हैं, जिसमें जिस साइड आपको सिल्वर कलर की रिंग दिखाई दे रही है डायोड में, वो इसमें हम पॉजिटिव वायर जोड़ेंगे और उधर की तरफ हम इसमें ट्रांजिस्टर जोड़ेंगे। फिलहाल इसमें एथोड कैथोड से इसको देखा जाता है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दर्शा दूंगा कौन सा पॉइंट इसमें एथोड है और कौन सा कैथोड है। तो इस प्रकार से डायोड हम कनेक्ट कर ले। डायोड हमारे सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। यदि आप नहीं भी जोड़ना चाहते हो तो आप नहीं जोड़ सकते हो, वैसे फिलहाल ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें ट्रांजिस्टर ले रहे हैं 547 और ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन को हमने डायोड से जोड़ दिया है और यही डायोड की पिन हमारे रिले की कॉइल पिन से जुड़ी हुई है। इसमें हम कैपेसिटर लेते हैं 1000 माइक्रोफेराइड का, लगभग 25 वोल्ट का कैपेसिटर है ये। इसमें नेगेटिव पिन आपको दिखाई दे रही है जिसमें सिल्वर कलर की इस कैपेसिटर पर लाइनिंग दिख रही है, उस टाइप की उस तरफ की नेगेटिव पिन होती है। वैसे नेगेटिव पिन छोटी होती है पॉजिटिव पिन से कैपेसिटर की। इस कैपेसिटर को हमने ट्रांजिस्टर की ए मीटर पर जोड़ दिया। ए मीटर पर हमको कैपेसिटर का नेगेटिव वाला लेग जोड़ना है, तो इस प्रकार से हम कैपेसिटर जोड़ देते हैं। और इसमें हम 1 किलो ओम रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। 1 किलो ओम रेजिस्टेंस को बाकी कैपेसिटर की जो पॉजिटिव लेग है वहाँ से जोड़ देंगे और जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसकी बेस पिन में इसको जोड़ देंगे। 1K ओम का रेजिस्टेंस आपको लेना है इसके लिए। तो लगभग हमारा सर्किट ये तैयार हो गया है, थोड़ा सा काम इसमें और बाकी है। तो हमारा आज का प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, हमारा आज का जो टॉपिक था वो ये था कि हमारे वाटर कूलर में जो पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी हमारा पंप चालू रहता है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि उसको ऑटोमेटिक करके आप कैसे ऑफ करें। जैसे ही हमारे कूलर में पानी ख़त्म हो जाए तो पंप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो ये हमारा पंप है जो हम अधिकतर कूलर में यही पंप यूज़ होते हैं, पर आप पंप जरूरी नहीं कूलर का पंप, आप नॉर्मल पंप भी इसका यूज़ कर सकते हो। बस आपके पंप की कैपेसिटी के हिसाब से आपको इसमें रिले यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं। हमको इसमें लेवल बनाना पड़ेगा कि कितने लेवल पे पानी नीचे उतर जाए तो ऑफ हो जाए। पहला लेवल हमने बना दिया है, दूसरा लेवल हम लगा देते हैं। दूसरा लेवल हमेशा पानी में डूबा हुआ रहेगा। पहला लेवल आपको पंप के लेवल से थोड़ा ज़्यादा लेना है। यदि पंप का लेवल आपका ज़्यादा पानी नीचे तक आ रहा हो, जहाँ तक पंप पानी खींचता है, जहाँ तक उसकी लिमिट है, उसके बाद पंप पानी खींचना बंद कर देता है, उससे आपको 1 इंच ऊपर पॉइंट जोड़ना है लेवल का। जैसे आप जो पहला लेवल देख रहे हो वो हाइट पे लिया है मैंने, पंप इसके नीचे तक और पानी ले सकता है पर हमको ऊपर तक लेना है। आपने लेवल नीचे ले लिया तो ये सर्किट काम नहीं करेगा क्योंकि कंटिन्यू रहेगा, पंप ऑफ नहीं होगा ऑटोमेटिक। तो ठीक है, अब हमने जो सेंसर लेवल बनाए थे अब हम उसमें वायर जोड़ देते। तो पहले हम कलेक्टर की बेस पिन में वायर जोड़ेंगे, ये हमारा एक पॉइंट का हो गया। अब दूसरा कॉपर का वायर जिसमें हमने लगाया उसमें हम जोड़ेंगे, दूसरा हम कलेक्टर में जोड़ेंगे ट्रांजिस्टर की पिन में। उस प्रकार से आप जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि इसमें वायर आप ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो, पर आपको 2 वायर लेके आना है। जैसा कि मैंने आपको ट्रांजिस्टर बताया कहाँ कहाँ सोल्डर करना, ये 2 वायर हमको हमारे पंप में, मैंने ये दोनों पॉइंट पंप में चिपका रखे हैं, पर आप चाहे तो उसको अलग से भी रख सकते हो क्योंकि कई कूलरों में मेटल का पंप होता है तो आपको मेटल से इन पॉइंट को दूर रखना है। ये पॉइंट में सिर्फ पानी ही टच होना चाहिए, दूसरी चीज़ टच नहीं होनी चाहिए, तो ये फॉल्स रीडिंग आपको देगा। ये वायरिंग कंप्लीट हो गई है, अब हमको इसमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देना है। तो ये हमने पॉजिटिव वायर जोड़ दिया है 12 वोल्ट का रिले में, और जो दूसरा है नेगेटिव वाला वो कैपेसिटर की नेगेटिव वाली लेग मतलब कि ट्रांजिस्टर की एमीटर वाली पिन में जोड़ना है। तो ये हमने पावर सप्लाई दे दिया है, पर रिले में हमको पंप जोड़ना है। पंप डायरेक्ट आप अपने कूलर में पंप है उसका सिर्फ 1 वायर कट करके आपको जोड़ना है, पर इसमें आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी वही तरीका है जैसे आपके कूलर में लगा। ये इसकी कॉमन पिन है, जैसे आप देख रहे हैं कॉमन पिन है, और ये इसकी नॉर्मली ओपन पिन है। तो नॉर्मली ओपन पिन में आपको जोड़ना है कॉमन पिन और नॉर्मली ओपन में जोड़ना है। नॉर्मली क्लोज में जोड़ दोगे आप तो ये सर्किट उल्टा काम करेगा, तो हमको कॉमन और नॉर्मली क्लोज में जोड़ना है। तो 1 वायर कट करना है आपके कूलर का, उसको इसमें सीरीज में जोड़ना है, आपका सर्किट तैयार हो जाएगा। आपको दूसरा वायर को कट करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे पंप का दूसरा वायर मैंने कट करके रखा है क्योंकि ये भी कूलर में जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए। तो देखो मैं आपको 2 पिन में इसको सोल्डर करना बता रहा हूँ। तो 2 पिन मैंने ली है, इसमें 2 पिन का 1 वायर हम जोड़ेंगे और 1 वायर हमारा नीला वाला कंटिन्यू रहेगा, उसको कट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके कूलर में भी ऐसा एक ही वायर को कट करना है आपको रिले में। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको रिले की वायरिंग करना सिखाई है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऐसा ही कुछ बताया। तो इस प्रकार से हमारा तैयार हो गया है। तो हमको पंप को पावर देना है डायरेक्ट 230 वोल्ट। रिले में फुल करंट का आपको संभल के काम करना है। पूरे सर्किट को आप अच्छे से टेप लगा के इंसुलेट कर लीजिए, मैंने पूरा आपको खुला बताया हुआ है, आपको ऐसा नहीं बनाना है। ये एक प्रैक्टिकल है, डेमो वीडियो कह सकता हूँ उसको मैं। तो देखिए रिले में फुल करंट है और आपको टेस्टर से पूरा चेक करना है कहाँ कहाँ करंट है,
इन दोनों पॉइंट में जो हमारे सेंसर पॉइंट जो पानी में जाएगा, इसमें करंट नहीं आना चाहिए। आप टेस्टर से देख लीजिए, यदि इसमें करंट आ रहा तो आपने ज़रूर वायरिंग गलत जगह लगा दी है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। और वैसे भी सर्किट पूरा कम्प्लीट होने के बाद आपको कूलर में भी चेक करना है कहीं से करंट तो नहीं आ रहा है। सिर्फ पानी और ये दो पॉइंट कूलर में डूबे, मैं आपको इसमें कूलर में फिट करना नहीं बता सकता हूँ अभी फ़िलहाल। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया। मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि किस प्रकार से ये पानी में टच होने पर पंप ऑन रहेगा और जैसे ही पानी ख़त्म होगा तो दोनों वायर पानी से बाहर आ जाएंगे। एक वायर भी पानी से बाहर आ जाएगा तो आपका सर्किट पंप ऑफ कर देगा। तो अभी मान लीजिए आपके कूलर में पानी फुल है और आपका पंप चल रहा है, जैसे ही बाहर आता है पंप ऑफ हो जाएगा। पर हमने इसमें कैपेसिटर लगा रखा है तो 2 सेकंड बाद ये ऑफ होगा। कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका पंप और रिले बहुत ही स्पीड में काम करेगा जब पानी ख़त्म होने लगेगा। ऑन ऑफ बहुत स्पीड में होगा जिससे आपका पंप या रिले जल सकता है। तो आपको कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से कैपेसिटर लगा लेंगे तो हमारा सर्किट और अच्छा और हमारा पंप की लाइफ बढ़ जाएगी। ऐसे भी हम ये वीडियो पंप की लाइफ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सर्किट बनाना है। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार आए तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और आपकी डिमांड पे भी वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो खासतौर पर आपकी डिमांड पर बनाया हुआ है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आई थी कि आप ये सर्किट बनाइए कि पानी ख़त्म होने पर पंप ऑफ हो जाना चाहिए, तो उस प्रकार से मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया। दोस्तों बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। और आप क्या चाहते हो और कौन सा नया टॉपिक वीडियो बनाना चाहते हो मुझसे, आप अपना टॉपिक बता दीजिए। यदि कोशिश हुआ और मुझसे यदि मैं बना सकता हूँ तो मैं आपके लिए ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।